नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। खबर सतना जिले से है, जहां शासन के स्वामित्व वाली सरकारी जमीन कूट रचित दस्तावेजों और जालसाजी के जरिए अपने नाम दर्ज करा लेने के एक मामले में अदालत ने शुक्रवार को फरार पूर्व शिक्षक को जमानत देने से इंकार कर दिया है। जिले की मझगवां तहसील के ग्राम चौराहा की शासकीय आराजी को छल पूर्वक अपने नाम दर्ज करा लेने के आरोपी रामजी ब्राह्मण पुत्र जूडू राम ब्राह्मण निवासी चौराहा का अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया। इस मामले में राज्य शासन की ओर से लोक अभियोजक एवं शासकीय अभिशासक रमेश मिश्रा ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार पेशे से शिक्षक रहे आरोपी रामजी ब्राह्मण ने वर्ष 1989-1990 में शासकीय आराजी क्रमांक 287 रकबा 21.65 एकड़ के जुज रकबा 3 एकड़ का नामांतरण राजस्व रिकॉर्ड में हेरा फेरी करा अपने नाम करा लिया था। तत्कालीन तहसील द्वारा की गई जाँच में पाया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में आरोपी के पक्ष में जिस प्रकरण का उल्लेख है वह उससे संबंधित नहीं है। आरोपी के पक्ष में किसी भी प्रकार का व्यवस्थापन भी नहीं किया गया है। न्यायालय में आरोपी ने तर्क दिया कि उस समय वह शासकीय नौकरी के सिलसिले में बाहर था। उसके विरोधियों ने क्षति पहुंचाने की नीयत से तत्कालीन पटवारी से मिलकर आराजी उसके नाम दर्ज करा दी होगी। इस मामले में जांच के बाद तत्कालीन तहसीलदार ने FIR दर्ज कराने आदेश पारित किया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद FIR दर्ज नहीं हुई थी। बाद में यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। उच्च न्यायालय के निर्देश पर थाना मझगवां पुलिस ने अपराध क्रमांक 285/23 धारा 420, 467 और 468 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। लेकिन तब से ही आरोपी लगातार फरार हो गया और अग्रिम जमानत का आवेदन उसने अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने शासन का पक्ष सुनने और आपत्ति पर विचार करने के बाद जालसाजी कर सरकारी जमीन हड़पने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान ज्वेलर्स की तरफ से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, रीवा जिला वासियों को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।